लोग अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, वक्फ बोर्ड की जमीन पे नए मदरसे बनाए जाएंगे। वक्फ बोर्ड की जमीन के अलावा भी वैसी जमीन जहाँ पे सरकारी जमीन है, जैसे बाकी एससी एसटी बनते हैं वैसे जगहों पर भी बनाने का निर्णय किया है। कि एक नीतीश जी का जब बने थे 2005 में, जब मुख्यमंत्री बने थे तभी 2005 में, तो उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम जो बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों के, उनके उत्थान के लिए हम काम करें। और इसीलिए उन्होंने तालमी मरकज जैसे संस्थानों का गठन किया, प्रदेश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा को दुरुस्त करने का काम किया। अब एससी एसटी अति पिछड़ों के लिए छात्रावास बन रहे हैं, लेकिन उस तेजी में अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बन पा रहे थे क्योंकि जमीन की समस्याएं रहती थी। तो ये अच्छा निर्णय है कि एक बड़ा जो आबादी इस प्रदेश में अल्पसंख्यकों की है, उनकी शिक्षा में और उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में एक बड़ा कदम हो। जो वक्फ संशोधन विधेयक आया और जिस तरह से ललन सिंह ने इस विधेयक के विरोध में वक्तव्य दिया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इससे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो मर्मरिंग है, जनता दल यू के अंदर जो बेचैनी है और जनता दल यू के अंदर जो सवालों के घेरे में ललन सिंह समेत नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपने ही पार्टी के नेताओं के बीच में घिर गए हैं, तो उससे निकलने के लिए यह आई वॉइस किया जा रहा है और लोगों के बीच में इस तरह का प्रचार करके जो नीतीश सरकार है वो अपने आप को बचाना चाहती है। लेकिन नीतीश जी अब बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि नीतीश जी के प्रति पहले से लोगों का सोच रहा है कि ये सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। और उसी दृष्टिगत कहीं ना कहीं ललन सिंह जी ने इस तरह का वक्तव्य दिया है। ललन सिंह का ये वक्तव्य पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में जनता दल यू अपने विचारों को विलीन कर चुका है और जनता दल यू अब जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है उसमें उसका एक ही सोच है कि किसी तरह से हमको सत्ता में बने रहना और सत्ता और सत्ता के लिए किसी से भी और किसी हद तक जा करके समझौता करना। मंत्री जमा खान ने कहा है कि बेहतर शिक्षा दिया जाएगा। मंत्री जमा खान से मैं पूछना चाहता हूं कि आप वक्फ संशोधन विधेयक पर अब तक एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप वक्फ के मामले में जो गैर मुस्लिमों को सदस्य के तौर पर रखने की बात है उसके संबंध में स्पष्ट दृष्टि क्यों नहीं बता रहे हैं? आपकी क्या सोच है ये बताइए। और दूसरे वक्त के मामले में जिस तरह से जो मिल्कियत जिसका है उसके एकाधिकार को छीन करके जो परसेप्शन की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा करके काम कर रही है, जो भारत में फंडामेंटल्स राइट है सभी को अपने धार्मिक आज़ादी के साथ जीने का, और जो वक्त की संपत्ति है जिसकी मिल्कियत है वही उसको देखने का काम करेगा, तो उससे अलग जा करके इस तरह की राजनीति क्यों शुरू की जा रही है? इस पर अपना स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण जनता दल यू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री देने का कार्य करें, क्योंकि वो मुसलमान हैं और उनको भी अपने आबो वाजदाद के जो वक्फ किए गए ज़मीन है उसकी हिफाजत के लिए यहाँ भी जवाब देना होगा और ऊपर भी जवाब देना होगा, तो उसके संबंध में बताने का काम करें ईमानदारी पूर्वक। सब चीज़ों में सियासत ज़रूरी नहीं है, सियासत करके आप अपना तो भला कर सकते हैं लेकिन कौम का जो नुकसान कर रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा?